कैरेक्टर कौन है मावर? राम। तुम आज प्रेम मत करो चुप चुप के। आज है 28 डेज जो लॉकडाउन चल रहा है 21 डेज का, बट अनफॉर्चुनेटली ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं होने वाला है, बिकॉज जैसा प्लान किया था गवर्नमेंट ने वैसा नहीं हुआ। सबने सोचा था कि 21 डेज अगर लॉकडाउन करेंगे तो लोग अच्छे से फॉलो करेंगे, बट बहुत सारे लोग फॉलो नहीं कर रहे। तो गाइस प्लीज़ फॉलो करिए, तभी जाके हमारा लॉकडाउन जल्दी से जल्दी ख़त्म होगा, अदरवाइज हो सके तो ऐसा 2-3 महीने और चल सके। एनीवेज वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज है 20th डे, तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था 21 दिन के 21 व्लॉग ज़रूर लाऊंगा, तो आज है सेकंड लास्ट डे एंड कल एक और व्लॉग बनाऊंगा। एंड कल का व्लॉग तो मैंने बहुत अमेजिंग प्लान करके रखा, तो वो तो कल आपको दिखेगा ही। एनीवेज आज है सेकंड लास्ट डे, तो आज भी कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे। एंड मॉर्निंग से मैं शूट नहीं कर रहा था बिकॉज मेन चैनल के लिए कुछ कंटेंट शूट करना था। तो चलिए आज का डे स्टार्ट करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। अगर आपको घर पे रह के अगर पतला होना है तो माउंटेन क्लाइंबिंग ज़रूर करिएगा, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है बट बहुत इफेक्टिव है। बस आपको ऐसे करना है और 20-20 बार एक एक साइड में करना है। सब बैठ के महाभारत देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि महाभारत देखने में? बहुत बढ़िया, इतना साल बाद रामायण भी देखते हो क्या? इतना साल बाद मैं देख रहा हूँ, मैं टाइमली बैठ जाता हूँ एकदम। रामायण भी देख रहे हो क्या? रामायण भी देख रहा हूँ, महाभारत देख रहा हूँ। अच्छा। और अभी तो दूरदर्शन नया नया सीरियल जो अभी दिखा रहा है, बहुत पुराना सीरियल, अच्छा अच्छा सीरियल जो हम लोग बहुत पहले देखते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, अभी तो कलर टीवी में देख रहा हूँ। इतना मन मोहक हो रहा है सबको, बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है, तुमको अच्छा लगता है महाभारत? देखते हो क्या? फेवरेट कैरेक्टर कौन है महाभारत में? राम। ये भगवान, आजकल के बच्चे राम महाभारत का नहीं रामायण का है बेटा। ऑल राइट, तो मैंने सोचा जैसे उस दिन स्नीकर कलेक्शन दिखाया हुआ है, तो आज मैंने सोचा मेरा परफ्यूम कलेक्शन भी दिखा दूं, बिकॉज मेरे पास बहुत अच्छे परफ्यूम है। कहा तुमको परफ्यूम्स पसंद है क्या? कौन से, लड़की वाले पसंद है या लड़कों वाले? दोनों। क्योंकि काया भी हमेशा लाइक जो भी परफ्यूम मैं लगाता हूँ हमेशा पूछती है कौन सा परफ्यूम लगाया। तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम कौन सा है? कौन सा? ये वाला। ये वाला, ये तो खराब परफ्यूम है। एनीवेज मैं ये दोनों अच्छा 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 अभी गिरेगा मैं पहले दिखा देता हूँ कौन कौन सा परफ्यूम। वो तो मेरा भी फेवरेट है। एनीवे स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले एक थोड़े कम रेट वाले जो परफ्यूम रहता है, तो ये है आर्मऑफ का क्लब द नॉइट। मैंने मेन चैनल पे इसका रिव्यू कर रखा था, क्या थोड़ा साइड हो जाओ प्लीज। तो ये जो परफ्यूम आता है अप्रॉक्सीमेट 1400 के आसपास आता है, एंड ये भी इंटेंस है तो काफ़ी अच्छा फ्रेग्रेंस देता है। एंड ये एक परफ्यूम आता है क्रिड एवेंडस, उसका क्लोन दिया हुआ है एंड अप्रॉक्सीमेट काफ़ी हद तक मिलाया हुआ है। एज जो क्रीड आता है वो आता है 25,000 रुपीज़ का, एंड ये आता है 1500 रुपीज़, कहीं कंपेरिजन नहीं है, बट जो ओपनिंग नोट्स है तो आपको लगेगा क्रीड ही लगाया हुआ है। एनीवेज सेकेंड परफ्यूम पर जाते हैं, ये है ब्लू जीन्स करके आता है वर्साचे का, बहुत ही लाइक पुराना परफ्यूम है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा इसका खुशबू है एंड साथ में स्टे भी बहुत अच्छा रहता है। अब ये है मोबला का ब्लैक, ये अरे ये वाला नहीं, ये वाला जो दिखा रहा हूँ तो ये वाला है मोबला का ब्लैक, तो ये भी बहुत बहुत अच्छी खुशबू है, मेरे को पहले बताने दो, तो बहुत अच्छी खुशबू है इसकी भी, लेकिन इसमें भी स्टे काफ़ी देर तक नहीं देता है, आई गेस 3-4 घंटे तक, बिकॉज हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं हम लोग, इस वजह से थोड़ा सा इसका स्टे कम हो जाता है। अब काया के हाथ में मेरा वन मोर फेवरेट परफ्यूम, ये है VIP 212 है, और ये मेरे पापा का और चाचू का बहुत फेवरेट है। ये एक्चुअली इसमें कह रहा था बहुत स्वीट टाइप का एंड स्पाइसी फ्रेग्रेंस है, बहुत ही फ्रेश लगता है, एंड जब भी आप लगाएंगे आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, एंड इंडियन वेदर के होते हुए भी ये एटलीस्ट 5-6 घंटे का स्टे दे देता है। एंड ये है एक्सप्रेस करके एक परफ्यूम है, तो एक्सप्रेस करके एक ब्रांड है USA का, तो वहाँ का परफ्यूम है, इसका स्टे इंडिया के हिसाब से ज़्यादा अच्छा नहीं होता बिकॉज USA में कोल्ड रहता है एंड इंडिया काफ़ी ज़्यादा हॉट रहता है, इस वजह से इसका स्टे 1-2 घंटे के आसपास रहता है। अब है ये है गेस का, गेस सिडक्टिव आई गेस,
तो ये भी वेस्टेज ऑफ मनी है, काफी महंगा है गैस। ये जो बॉटल है 120 ml का, ये 7000 के आसपास रहता है। बट इसका ओपनिंग नोट्स काफी अच्छा है, बट थोड़े देर बाद एक या दो घंटे में इसका फ्रेग्रेंस कुछ रहता ही नहीं है, और ऐसा लगता ही नहीं कि आपने लगाया हुआ है। अब जो नेक्स्ट परफ्यूम है, छोटा वाला वो बाद में देखा, ये जो नेक्स्ट परफ्यूम है ये है ज़ारा मैन उमो। तो ये मैंने सोचा था कि ये अच्छा होता है कि नहीं ज़ारा का। यूजुअली क्या होता है, ज़ारा मैंने पहले भी परचेस कर रख के रखा हुआ है, बट उसका स्टे नहीं रहता। बट ये उमो काफ़ी अच्छा बजटेड भी रहता है। ये आई गेस 700-800 रुपए का आपको छोटा बॉटल मिल जाएगा, एंड 1500 के आसपास थोड़ा सा बड़ा मिल जाएगा। बट इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी है, एंड इसका स्टे भी अच्छा है, और ये बहुत ही क्यूट बॉटल है। अच्छा, ये जब खत्म हो जाएगा काया तुमको खाली बॉटल हम दे देंगे। ठीक हाँ। है, अभी जो नेक्स्ट परफ्यूम है ये है सीके मैन। तो अगेन ये भी मुझे वेस्टेज ऑफ मनी लगता है, बिकॉज इसका जो स्टे रहता नहीं है। क्योंकि मैं जब भी परफ्यूम खरीदता हूँ, जब आप परचेस करते हो तो आपको क्या लगता है कि बस आप स्मेल करके ले लो, बट उसका स्टे रहता है कि नहीं है। इसके ओपनिंग नोट्स काफ़ी अच्छे थे, इस वजह से ले लिया था मैंने, बट इसका स्टे बिल्कुल नहीं है, दो घंटे के अंदर खत्म हो जाता है। ये है अगेन प्ले बॉय का VIP। तो ये भी बेसिक जिम में यूज करने के लिए ठीक है, आई गेस 500-600 रुपए के आसपास ही आ जाता है। तो मेरे पास सस्ते से सस्ता परफ्यूम भी है, महंगे से महंगा भी है, तो इसका स्टे भी उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, बाकी डीओ से तो हमेशा अच्छा है। और ये रैबिट परफ्यूम है, रैबिट प्लेबॉय का सिंबल है। एनीवेज, अभी एक नेक्स्ट चलते हैं। ये है लाइक मैं बहुत सालों से इसको यूज कर रहा हूँ, एंड मैं साल में एक दो बॉटल इसके ले ही लेता हूँ, बिकॉज कभी भी जिम एंड ऑल में मैं इसको हमेशा यूज करता हूँ। ये है डेविड ऑफ कूल वाटर। इसका एक नया भी निकला हुआ है इंटेंस करके, वो बहुत अच्छा है, बट अभी लॉकडाउन था करके अभी लॉन्च हुआ था एंड खरीद नहीं पाया मैं। इसका स्टे भी ठीक ठाक है, बट ये एक्वाटिक नोट्स है इसके, काफ़ी फ्रेश लगता है समर के टाइम पे, स्पेशली जब भी आप इसको स्प्रे करेंगे। बहुत बजट फ्रेंडली रहता है, साथ ही में अच्छा खासा स्टे दे देता है। गाइस, ये है ललिक एनके नोयर। ये बहुत ही फेमस परफ्यूम है, बहुत ज़्यादा हाइप्ड है। आप कभी भी रेटिंग देखेंगे तो फॉरेन के जितने लोगों ने भी रेटिंग दिया हुआ है, बहुत अच्छा दिया हुआ है। बट पर्सनली मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता, इसका स्टे बहुत अच्छा है, बट ये काफ़ी महंगा भी होता है। बट आप लोग इसको कभी परचेस मत करना, बिकॉज ये बहुत ही ख़राब, लाइक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। बट इतना से बॉटल का ये काफ़ी आई गेस 12-13 हज़ार का आता है, काफ़ी महंगा होता है, बट बहुत ख़राब स्मेल है, इसको कभी मत परचेस करिएगा। अब ये हाई नॉइस करके है, ये बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस है। जब ओपनिंग नोट्स भी बहुत अच्छा है, स्टे भी एटलीस्ट 5-6 घंटे अच्छे समर के टाइम पे भी दे देता हूँ, तो इसको ज़रूर एक बार लेना चाहिए आपको। एंड अभी जो नेक्स्ट है, बहुत थोड़ा सा बात तो करने दो। ये है लाइक वन ऑफ माय फेवरेट परफ्यूम, ये है पाको रबाने इनविक्टस। तो इसका ये इंटेंस है, ब्लैक कलर का बॉटल है, ये इंटेंस है, इसमें एक्वा भी आता है, बहुत अमेजिंग नोट्स रहते हैं। जो इंटेंस रहता है समर के हिसाब से बहुत अच्छा है, बिकॉज इसका स्टे एटलीस्ट 6-8 घंटे आपको मिल जाएगा। EDT होते हुए भी इसका स्टे काफी अच्छा हो जाता है। आपको बोलूं, ये दोनों परफ्यूम मेरे चाचू और पापा का बहुत फेवरेट है। और अभी जो है ये है मिस्टर बर्बरी, अगेन बहुत हाइप्ड है लाइक। एंड एक चीज और बता दूं, जब भी आप परफ्यूम परचेस करते हैं तो इंडियन रिव्यूअर के हिसाब से परचेस करिएगा, बिकॉज फॉरेन के रिव्यूअर बहुत अच्छा रेटिंग दे रहते हैं, बिकॉज वहाँ पर काफ़ी कोल्ड रहता है, एंड हमारा इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, इस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, इसका स्टे बिल्कुल नहीं रहता। बर्बरी का मैंने जब लिया था मिस्टर बर्बरी, जब भी आप एयरपोर्ट से या फिर मॉल से खरीदते हो, आप बस कुछ देर के लिए उसको स्मेल कर सकते हैं या रिव्यू देखते हो बेसिकली, बट इसका स्टे नॉट एट ऑल गुड, बहुत ही खराब स्टे है। एंड अभी है नेक्स्ट है ज़ारा मैन शेडरवुड करके एक है, इसका भी स्टे उतना खास नहीं है, लाइक एक दो लाइक आप जब लगाएंगे तो 2-3 घंटे तक रहेगा, एंड मुझे इसका फ्रेग्रेंस भी काफ़ी पसंद नहीं है उतना, इसको बाद में बताएंगे, ये थोड़ा एक कॉस्टली वाले है। तो अभी गाइस ये है ह्यूगो बॉस मैन, अगेन इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा है, बिकॉज ये इसके भी एक्वाटिक नोट्स हैं, समर के लिए परफेक्ट है। एंड ह्यूगो बॉस के जितने भी परफ्यूम आप लेंगे सबका स्टे बहुत अच्छा होता है। अब अगेन ये ह्यूगो बॉस इंटेंस है, इसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी मेन चैनल पे कर चुका है, तो जो 5 बेस्ट समर परफ्यूम के बारे में बताया था उसमें से ये था, बहुत ही अच्छा था। तो आग बंद करके आप इसको मेरे बात पे ले सकते हैं, बिकॉज इसका स्टे एटलीस्ट 7-8 घंटे तक रहता है EDT होते हुए भी, तो बहुत अच्छा स्टे है। अब बात कर लेते हैं सीके एटर्निटी, अगेन कायो सामने से हट जाओ बाबू। तो ये है सीके एटर्निटी, बहुत हाइप परफ्यूम है, हर जगह बहुत रिव्यू दिए हुए हैं, अभी इसको यूज मत करो,
तुमने एक लगा लिया परफ्यूम ऑलरेडी, तो ये भी एक्वाटिक नोट्स है बट अगेन इसका स्टे नहीं रहता, 2-3 घंटे बहुत हो गया, उससे ज्यादा आपको स्टे नहीं मिलने वाला। तो अगेन इंडिया में रह के इसको परचेस नहीं करना चाहिए, या फिर अगर आप कहीं क्लोज जगह पे रहते हैं जहाँ पर हमेशा एसी रहती है तो फिर आप परचेस कर सकते हैं। एंड आपको एक बता दूं, ये जो इसका बटन है इधर से खुलता है, इधर से। और अभी जो नेक्स्ट है ये है अरमानी कोट एब्सोल्यूट, तो ये भी अगेन बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, आप जब जाएंगे एकदम रिच वाली फ्रेग्रेंस आती है इससे। एंड जो नोट्स देख के, बिकॉज बहुत सारे जो सस्ते परफ्यूम रहते हैं कोशिश करते हैं कि ऐसे महंगे परफ्यूम जैसे बनाएं, बट उसमें एसेंशियल ऑयल कम रहता है, इस वजह से वो थोड़ा सिंथेटिक स्मेल करते हैं। एंड अरमानी तो अमेजिंग, जब आप इसके ओपनिंग नोट्स में भी करेंगे एंड जब ये 2-4 घंटे के बाद भी आपके आपके स्किन पे बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस देता है, तो हाईली रिकमेंड करूंगा बट आपको थोड़ा सा। एंड ये है मोस्ट हाइप परफ्यूम ब्लू द शनैल, तो शनैल ब्रांड का जितने भी परफ्यूम है सारे डिजाइनर परफ्यूम है। काया तुम मत लगा वैसे, सारे ये सब पार्टीज में जाने के लिए रहते हैं, तो काया सारे परफ्यूम का स्प्रे कर रही है मेरे दिल पे लग रहा है। तो ये अगेन इसका भी कीमत आई गेस 15-16 हज़ार के आसपास आता है, बट आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी ओवर हाइप परफ्यूम है एंड इंडिया में इसका स्टे अच्छा नहीं है। अगेन ये है शनैल अलॉय स्पोर्ट, तो ये भी बहुत फेमस फ्रेग्रेंस है बट इंडियन वेदर पे इसका भी स्टे ज़्यादा देर तक रहता नहीं है, तो आई गेस आपको इस पर खर्चा नहीं करना चाहिए। इसकी जगह पे कोई भी जो इंडियन स्टे रहे वैसा परफ्यूम लेना। तो 3 परफ्यूम और मुझे छुपे मिल गए, बिकॉज कहीं कहीं रहता है बहुत सारे परफ्यूम में ध्यान में नहीं रहता। तो ये है ह्यूगो बॉस बॉटल इंटेंस, ये तो बहुत अमेजिंग फ्रेग्रेंस है इसका, तो जब भी आप ये लेंगे इसका EDP लीजिएगा, बिकॉज ये EDP और EDT में काफ़ी फ्रेग्रेंस में चेंजेस है। एंड इसका जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी एप्पल पाई टाइप का है, बहुत सिनेमन का स्वीट वाला पंच है, आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड जब भी आप लगाएंगे 8-9 घंटे तो आराम से इसका स्टे रहता है एंड आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। अब जो नेक्स्ट परफ्यूम है ये है लैकोस्ट लाहोम इंटेंस, अगेन लैकोस्ट का जो लाहोम का जो परफ्यूम रहता है वो मेरे पास ऑलरेडी था, वो कुछ ऑरेंजिश टाइप का इसका लिक्विड रहता है, बट ये इंटेंस निकाला हुआ है, अगेन इंटेंस वर्ड मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है और आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, स्टे भी बहुत अच्छा है। और ये जो परफ्यूम है ये है पोलिस का परफ्यूम, स्कल टाइप का आपको हर जगह बहुत जगह मिल जाएगा एंड बहुत अच्छे डील्स में मिल जाता है, बट पहले इसका जो आता था आई गेस इसमें बहुत सारी कॉपी आने लगी है। एंड आजकल जो पहली बार मैंने जो परचेस किया था 3-4 साल पहले तब थोड़ा सा महंगा था, आजकल बहुत सस्ता हो गया है, बट इसके जितने भी नोट्स हैं स्टार्टिंग ओपनिंग नोट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं जिनको नहीं आइडिया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा सिंथेटिक स्मेल करता है, इस वजह से मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता है। तो अगर आपका बजट नहीं है तो इसको ज़रूर एक बार परचेस कर सकते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा दिन आपका, इसके स्प्रे बहुत छोटे छोटे स्प्रे रहते हैं आप देख सकते हैं, तो इसके जो ओपनिंग नोट्स रहते हैं तो वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी एक्वाटिक है, काफ़ी फ्रेश है, बट इसका स्टे रहता नहीं है एंड काफ़ी सिंथेटिक टाइप का स्मेल करता है। तो जब भी आप परचेस करिएगा, अगर आपका बजट है तो आप हमेशा EDP ही परचेस करिएगा। काया तुम वहाँ स्प्रे मत करो चुप चुप के, इसको मैं स्प्रे नहीं, पीछे से भी खुशबू आ रही है, तुम मेरे परफ्यूम स्प्रे कर करके खराब कर रही हो, देखो यहाँ ठंडा ठंडा लगा, ठीक है। तो गाइस एनीवेज काया को भी बहुत मजा आया, काया ने मेरे बहुत परफ्यूम पे स्प्रे कर दिया और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं, बिकॉज मेरे को अपने सारे परफ्यूम बहुत पसंद है, बहुत प्यार करता हूँ, तो काया और नहीं करते बदमाशी, इसके इसको बुलाया मैंने, मैं चुप चुप के वीडियो बनाने वाला था बट काया पहुँच गई है एंड काया भी काफ़ी स्प्रे कर दिया एंड मैं नहीं चाहता और ज़्यादा करें, तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, प्लीज प्लीज काटो काटो कट 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 कट